हाय, हम लोग आए हैं बेला विस्टा, एक शहर है अरकानसा में, छोटा सा, वहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे ये है 10 यार्ड क्रीक नेचुरल ट्रेल, एक ट्रेल है, नेचुरल ट्रेल है ये। यहाँ पे हम आए हैं और ये बहुत जंगल सा है, नेचुरल पूरा। इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, ट्रेल बोलते हैं रास्ते को। ये अंदर अंदर रास्ता आप देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं जिस तरीके से। इस रास्ते पर हमें जाना है और कहीं पर जाके पानी का झरना है। बहुत ही खूबसूरत पंछी हैं, यहाँ पर चहचहा रहे हैं। तो हम आगे जाएंगे पानी के झरने तक। ये नक्शा दिया हुआ है 10 यार्ड क्रीक नेचुरल ट्रेल का, और ये पूरा नक्शा है। अभी हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ से हम यहाँ पे आए हैं, और अभी ये दिखा रहा है यू आर हेयर। तो हम यहाँ पे हैं और ट्रेल स्टार्ट्स बिगिंस फ्रॉम राइट। सो हम लोग को यहाँ से शुरू करना है। श्री अनु मलिक जी की आवाज़ में मैंने ये थोड़ी सी मिमिक्री करने की कोशिश की है। जंगल है, आधी रात है, लगने लगा है डर, दुनिया को भूल जाऊं, कुछ ऐसी बात कर। अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं और बहुत अच्छा है, यहाँ पे जंगल का पूरा माहौल है। बहुत ही खतरनाक रास्ते से होता हुआ मैं उस पुल पे पहुंच गया हूँ। जंगल बहुत ही खतरनाक है ये जंगल। ये देखिए, पानी बिल्कुल चट्टानों के पीछे से निकलते हुए आ रहा है। बहुत ही अच्छी ट्रेल है अभी तक तो, अभी हमने शुरू ही किया है और बस हम थोड़ा आगे पहुंचे हैं। पहले यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से पूरा ये पूरा बारिश में डूबा हुआ रहा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन जो है अभी काफ़ी सही है। हाई वाटर, बारिश होने पे हाई वाटर, यहाँ पे पानी जो है, देखिए हाई वाटर लिखा हुआ है, यानी कि बारिश होती है तो पानी का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। ये बारिश का पानी जो पहाड़ों से धीरे धीरे टपक रहा है, नीचे आ रहा है। मैप के हिसाब से इस ऊंची सी जो ये पहाड़ी सी दिख रही है, इसके ठीक पीछे एक पानी का बड़ा स्रोत होना चाहिए, एक झील है इसके पीछे, अगर मैं गलत नहीं तो। मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, बहुत ऊंची चढ़ाई लग रही है अभी तक, मुझे काफ़ी थक गए हैं हम लोग इस जंगल में घूमते घूमते। अब इस ऊंची पहाड़ी पर से जाकर ही पता चलेगा कि क्या है पीछे। थक गया, फाइनली ऊपर पहुंच ही गया। ओ वाह, ये है वो झील जहां आने के लिए मैंने पूरी ये चढ़ाई करी है। आगे जाके वाटरफॉल है, दूर आप देख रहे हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा ज़रूर ठाकुर साहब। हम लोग वाटरफॉल की तरफ पहुँच रहे हैं, आवाज़ से तो लग रहा है। ओ, ये झील का पानी ही है जो इसको यहाँ से बह रहा है वाटरफॉल की शक्ल में। वाव, तो वाटरफॉल आगे जाके है, मैं आपको असली वाटरफॉल की तरफ लेके चल रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरा वाटरफॉल है, वहाँ पे लोग हैं, तो वहाँ पे जाएंगे। अब हम जा रहे हैं झरने को सामने से कैप्चर करने के लिए। खतरनाक रास्ते से उतरते हुआ यकीन नहीं होता, ये बहुत ही बहुत मुश्किल था। इस झरने तक आने के लिए हमने अपनी जान जोखिम में डाली है। दोस्तों, मैं फाइनली वहाँ पहुँच गया हूँ। ये है झरना सामने से आता हुआ, मैं थोड़ा चाहता हूँ। ये देखिए आप, सामने साइकिल सवार जो इन्हीं पहाड़ों पे साइकिल चलाते हुए वहां पहुंचे हैं, इनके इनके दम खम, इनकी ताकत का लोहा मानता हूँ मैं।
बारिश की वजह से पूरा पानी है और 100% अगर बारिश हो जाए तो यहाँ चलना बहुत ही मुश्किल होगा, मैं समझता हूँ ना के बराबर। झरने को सामने से देखने के लिए हम इतना चल रहे हैं। ओ गाइस पहुँच गए शायद हम। ये है झरने का सामने से व्यू। ये नदी आगे बहते हुए जा रही है झरना। ये सारा झील का पानी है जो अभी हमने ऊपर एक झील देखी है उसका पानी है, पूरा बहते हुए आगे की तरफ जा रहा है। तो यहीं पे अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रेल का पूरा ट्रिप जो है ये बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल पीकेएस प्यारी ज़िंदगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।